देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये फरीदाबाद का ESI हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है और यहाँ पे सीटी स्कैन से लेके अल्ट्रासाउंड और यहाँ पे ब्लड कैंसर तक का इलाज होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 6, तो मैंने अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी जस्ट अभी पूजा किया है माता जी की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पीछे ये मंदिर है और इसमें देखो धूप चल रही है, और भी मैंने पूजा किया है। तो अभी मुझे निकलना है, चाय चाय बन रही है देखो किचन में, और उसने भी चाय चढ़ा दिया है, तो अभी चाय बन रहा है। और चाय पीने के बाद अभी हम लोग निकलेंगे गुड़गांव से फरीदाबाद के लिए। तो डॉक्टर ने आरुषि को रिफ़र कर दिया है फरीदाबाद के लिए, तो इनका वहाँ पे कुछ चेकअप वेकअप होगा। और कुछ यहाँ पे टेस्ट थे, वो यहाँ पे टेस्ट हो पाए थे गुड़गांव में और यहाँ नहीं हुए, तो डॉक्टर ने फरीदाबाद के लिए लिख दिया है। तो फरीदाबाद के लिए जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, और भी ये रेडी हो जाए ना नहा धो के। आरुषि रेडी होने के बाद में फिर उबर बुक करेंगे, और 5-7 मिनट के बाद में उबर हमारे रूम पे आ जाएगी, मतलब गली में। तो जस्ट फिर निकलेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और हमारी कंटिन्यू वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और हम लोग ग्लो है फरीदाबाद कैसे कैसे जाते हैं। और अभी आरुषि नहाने जा रही है, नहाने के बाद में जल्दी से तैयार होंगे फिर निकलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और तब तक हम चाय पी लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग रेडी हो चुके हैं फरीदाबाद के निकलने के लिए, और हमारा उबर आ चुका है गाड़ी। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, देखो आरुषि भी कपड़े पहन लिए हैं और मैंने भी कपड़े वपड़े पहन लिए थे पहले ही। बाबू देखो तैयार हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल फरीदाबाद के लिए। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, बस निकलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हम नीचे के लिए निकल रहे हैं गेट से। तो ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। तो फाइनली दोस्तों, हमारी देखो ऊबर गाड़ी आ गई है और हम लोग निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए। और देखो आरुषि गाड़ी में बैठ चुकी है और बाबू को लेके हम भी जा रहे हैं। चलो बेटा। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं बादशाहपुर से, गुड़गांव से जा रहे हैं फरीदाबाद के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, अभी बुक किया था गाड़ी और जस्ट भैया लेके आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। और थोड़ा कैमरा हिल रहा है, हमारा ट्राइपॉड नहीं लगाया ना इसलिए, हाथ से पकड़ रखा था इसलिए थोड़ा हिल रहा है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखो यहाँ पे सभी लोग बैठे, बाबू है, आरुषि है, और इनका टेस्ट है ना आज, तो इनका टेस्ट आज के टेस्ट कम से कम जो भी टेस्ट यहाँ हुए थे, कुछ कुछ टेस्ट बाकी थे तो डॉक्टर ने लिखा है, तो वो वहाँ पे ओके। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो। और ये मेरा बेटा है, बड़ा शरारती है और सुबह उठ नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। हाँ, और इनका टेस्ट, इनको यहाँ कोई मेडिसिन फ़ायदा ही नहीं कर रहा है, और यहाँ से काफ़ी दवा इनको दिया गया है, फ़ायदा नहीं कर रहा। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने इनको रेफ़र कर दिया है फरीदाबाद के लिए, और वहाँ पे टेस्ट होंगे, फिर उसके आधार पे रिपोर्ट में देखो क्या निकलता है क्या नहीं आता है। फिर उसके बाद आप लोग को मैं वीडियो बना देंगे, फिर आप दिखाएंगे। तो हम चल रहे हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फरीदाबाद ESI हॉस्पिटल। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये ESI हॉस्पिटल है फरीदाबाद का। तो हम लोग इसके अंदर अभी जाएंगे, तो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं आरुषि को लेके आ चुका हूँ फरीदाबाद ESI हॉस्पिटल में। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये 3 नंबर गेट है ESI हॉस्पिटल का। तो हम लोग इस गेट से अंदर जा रहे हैं, तो अंदर से निकल रहे हैं, चलो अंदर चलो। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी लगी है और अंदर वीडियो बनाना थोड़ा अलाउड नहीं है, तो हम अंदर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ फरीदाबाद के ESI हॉस्पिटल में, और आरुषि देखो आगे आगे चल रही है। और ये देखो कितना बड़ा ESI हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, और आरुषि का यहीं टेस्ट करवाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ काउंटर पर, देखता हूँ जो रिफर पर्चा लेके आया हूँ, और उनको दिखाते हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी पब्लिक बैठी हुई है, और ये है, इस साइड में इमरजेंसी है, तो आगे की साइड में चल रहा हूँ मैं। और थोड़ा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का, वो पूरा कर लेते हैं, फिर आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाते हैं। और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों।
और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल में आ चुके हैं फरीदाबाद। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू हमारे साथ में, और यहाँ का हॉस्पिटल है ना कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। और अभी ये 8:30 बजे के करीब खुलेगा, जिसमें मुझे जाना है 11 नंबर में, और अभी 11 नंबर पर जाना है। अभी यहाँ गेट बंद है और 9-9:30 बजे के बीच में खुलता है, और हमको पता नहीं था ना, थोड़ा लेट आते, तो अभी हम बाहर ही खड़े हैं बाहर साइड में, और यहाँ से पर्ची वर्ची जो कटता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। तो अभी 11 बजे के करीब ये खुलेगा, फिर उसके बाद में इनका टेस्ट, आरुषि का जो टेस्ट लिखा है वो टेस्ट करवाने हैं। और बाबू हमारे साथ में देखो खेल रहा है, मम्मा के पास में नहीं गया, एक्चुअली वो ले भी नहीं पाती हैं और इसलिए वो थोड़ा नहीं जाता है, उनको ज़्यादा पेन होता है ना। और यहाँ पे थोड़ा साउंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट होता है, सिटी स्कैन से लेकर अल्ट्रासाउंड वगैरह, और जो भी सारे XYZ जितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर, और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है दोस्तों। और हम लोग निकले थे 7 बजे निकले थे गाड़ी से, बुक किया था मैंने 7:45 बजे बुक किया था। धीरे धीरे आ गया 50 पे आ गए थे 5 मिनट के अंदर, और 5-7 मिनट मुझे लग गया रेडी होने में निकलने में। तो 7 बजे हमारी गाड़ी वहाँ से छूटी थी गुड़गांव से बादशाहपुर से, और यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया पूरा। और मेट्रो से आते थे थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता, और मुझे जल्दी थी कि इमरजेंसी की इनको जल्दी से जल्दी करवाना ट्रीटमेंट। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। काउंटर नंबर 1 पे सभी लोग खड़े हैं, और यहाँ पे जो भी बाहर से आते हैं रिफ़र वाले, और पहले पर्ची कटाते हैं फिर ऊपर जाना पड़ता है।